हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग एंड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन पे के बारे में। इंडियन पे एक ऐसी एप्लीकेशन है, ऐसा वेब है जहां से अपन कमीशन बेस्ड काम कर सकते हैं, मनी अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, इसके लिए अपने को सिंपली क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है या फिर क्रोम के अंदर गूगल पर जाना है। वहाँ से सिंपली अपने को सर्च करना है इंडियन पे। जैसे मैं अपन यहाँ पे इंडियन पे सर्च करते हैं तो प्ले स्टोर पे अपने सामने एक एप्लीकेशन दिख जाएगी इंडियन पे के नाम से, और गूगल पे अपने पास सामने आ जाएगा वेब। तो मैं आपको वेब से बताता हूँ, सेम प्रोसेस प्ले स्टोर से आएगा आप जो एप्लीकेशन से। तो जैसे सर्च करें अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो अपने को इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, अगर अपन फर्स्ट टाइम इस पे इंडियन पे पर विजिट कर रहे हैं तो अपने को इसके अंदर साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या अपना आधार से लिंक कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, और ये सब अपना बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अपन साइन अप करते हैं। तो साइन अप करने के लिए अपन जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जहाँ पर अपने को अपनी डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर देखिए, अपने दो तरह के मेंबर टाइप है। सबसे पहला ऑप्शन है मेंबर, इसके अंदर दो तरह का, एक तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का आएगा, दूसरा एजेंट का आएगा। तो नॉर्मली अपने जैसे एजेंट के तौर पर अपना साइन अप करते हैं तो अपने यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एजेंट। ठीक है, जैसे अपन एजेंट सेलेक्ट करते हैं देन अपने को नेक्स्ट क्या करना है, अपनी अदर्स डिटेल सबमिट करनी है। तो उसके अंदर अपने सिंपली क्या करना है, जो आधार कार्ड के अंदर अपना जो नंबर है, नाम है अपना, वो पूरी डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी है। तो आप आधार कार्ड में जैसे अपना फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम की जगह, देन मोबाइल नंबर, देन उसके बाद ईमेल आईडी के बाद में अपने को सबमिट करना है अपने शॉप का नाम, उसके बाद डालना है डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पिन कोड डालना है, फिर स्टेट का नाम डालना है, फिर देन अपनी सिटी का नाम डालना है, देन अपना जो एड्रेस प्रूफ है वो एड्रेस डालना है। और अगर अपने पास कोई रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस कोड की जगह कॉपी डालना है, अदरवाइज डायरेक्ट कैप्चा डालना है और देन साइन अप करना है। यहाँ पे अपने को शॉप का डिटेल भी डालनी है, अगर अपने शॉप का नाम शो करना कंपलसरी है। ठीक है, तो कोई भी आपकी शॉप का नाम है वो डाल के साइन अप करेंगे। साइन अप करते ही जो अपना जो रजिस्टर्ड नंबर इसमें दिया है उसके ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसके अंदर अपने क्या लॉगिन डिटेल्स जाएगी। तो जैसे साइन अप करते हैं अपने सामने कुछ इंटरफेस भी चेंज हो जाएगा, जो कुछ इस तरह का होगा जिसके अंदर अपने को साइन इन करना होगा। तो यहाँ पे जैसे अपन साइन इन करते हैं तो इसमें जो मोबाइल नंबर पे जो एक यहाँ से डिटेल गई है वहाँ से अपने को मेंबर आईडी चली जाएगी मोबाइल पे वो, और उसका पासवर्ड भी मोबाइल पे जाता है, वो दोनों डिटेल यहाँ पे अपने को सबमिट करनी है। तो जैसे मोबाइल नंबर पे गया और मैसेज के अंदर से मेंबर आईडी और पासवर्ड डाल के फिर कैप्चा डाल के लॉगिन करते हैं तो अपना जो नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो अपने को यहाँ पे एंटर करना होगा। और ये ओटीपी जितनी बार अपन लॉगिन करें उतनी बार अपने मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो जैसे अपन यहाँ पे ओटीपी डाल के एंटर करते हैं तो अपना ये लॉगिन होता है, उसे अगर ओटीपी करेक्ट नहीं हुआ तो लॉगिन नहीं होगा। तो जैसे अपन ये ओटीपी डाल के लॉगिन करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ये ओपन होता है तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके अंदर देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा टुडे AEPS, उसके बाद टुडे मनी ट्रांसफ़र, फिर थर्ड ऑप्शन आएगा टुडे कमीशन जो कि अपने अर्निंग रहेगी, जो फोर्थ ऑप्शन है टुडे रिचार्ज, ये अपना वॉलेट है। और तो इस तरह से अपने वॉलेट में पर डे का मतलब दिखाया जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए ओवर सर्विसेज के अंदर आ रहा होगा, यहाँ से मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, दूसरा AEPS के द्वारा मतलब जो मनी है वो भी अपन विड्रॉल कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसमें क्या, सिंपली अपने आधार नंबर होगा वहाँ से डायरेक्ट अपन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी विड्रॉल करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए अपने लेफ्ट साइड में जाते हैं, वहाँ सर्विस का ऑप्शन आता है, जो जैसे ही अपने इसको ओपन करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो जिसके अंदर देखिए B2B सर्विस भी है और दूसरा लीगल सर्विस है। तो B2B सर्विस के अंदर क्या आता है, NSDL आ जाएगा, फिक्स डिपॉजिट आएगा, IRCTC आ जाएगा, AEPS आएगा, रिचार्ज आएगा, पैन कार्ड आएगा, मनी ट्रांसफ़र, DTH रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड बिल, फास्टैग, ब्रॉडबैंड लोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैश डिपॉजिट, LPG गैस कनेक्शन, EMI बिल पे, हाथवे रिचार्ज, हाउसिंग सोसाइटी, एजुकेशन फीस, म्यूनसिपल टैक्सेस, इस तरह की बहुत सारी मतलब सर्विसेज यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा अपन लीगल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे लीगल सर्विसेज के अंदर कुछ इस तरह की सर्विस दिखाई देगी। तो उसके अंदर अपने सिंपली क्या आएगा, लीगल सर्विस आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, मनरेगा कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, NSDL पेन सेंटर है, ई श्रम है, वेस्ट बंगाल का आ जाएगा, UP बुले का आ जाएगा, मतलब हर बहुत सी इसके अंदर लीगल सर्विसेज के अंदर इसके अंदर अवेलेबल होती है, जो कि क्या सिंपली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी अपने लिए। इसके अलावा अपने को नीचे जाते हैं लेफ्ट साइड के अंदर, तो देखिए डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर आएगा आईडी कार्ड, वहाँ से अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद एजेंट का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सिंपली अपने आते हैं
एजेंट के कमीशन की, तो अपने आएंगे बेनिफिट्स के अंदर, उसके अंदर बी टू बी हाईएस्ट कमीशन का ऑप्शन आएगा, उसको ओपन जैसे ही करेंगे तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ से अपने को अपना कमीशन पता चल जाएगा, अभी कौन सा कमीशन कितना कमीशन देता है, किस सर्विस में अपने को क्या क्या कमीशन मिलेगा। जैसे कि हाईएस्ट कमीशन है अपना कैश विड्रॉल का, जो कि हाईएस्ट 15 रुपये है, वो मिनिमम है 0.35%। उसके बाद मोबाइल रिचार्ज के अंदर 5% है, डीटीएच का अकॉर्डिंग टू डाटा ऑपरेटर है। उसके बाद मिनी स्टेटमेंट का भी है 1.5 रुपये पर स्टेटमेंट का। आधार पे का 0.5% प्लस जीएसटी चार्जेस अपने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 1 रुपया, ठीक है। गैस बुकिंग का भी मिलेगा अपने को 10 रुपये, ठीक है। ईएमआई का भी मिलेगा। तो हर जितनी भी सर्विसेज सब का अपने को कमीशन मिलेगा। ये बी टू बी कमीशन हाईएस्ट कमीशन लिस्ट एक लिस्ट है, उसके अंदर से अपन देख सकते हैं कि अपने कितने का कमीशन मिलेगा। अब कमीशन के बाद अपन बात करते हैं लीगल सर्विसेज की। तो लीगल सर्विस में जैसे अपन जाएंगे तो अपने सामने कौन कौन सी लीगल सर्विसेज है वो सबकी डिटेल आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले आधार सर्विस, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ई श्रम, वेस्ट बंगाल भूलेख, यूपी भूलेख, एनएसडीएल, पैन सेंटर, ड्राइविंग लाइसेंस, आईटीआर रजिस्ट्रेशन, आईटीआर फिलिंग, जीएसटी फिलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आयुष्मान भारत, एमएसएमई और मनरेगा। तो ये सारी सर्विस लीगल सर्विस के अंदर आती है, जो कि अपने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसके लिए अपने को गवर्नमेंट को या इंडियन पे को 1 रुपये भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा 3 बैंक है जो मतलब इंडियन पे को सपोर्टिव है, जो कि येस बैंक है, ICICI और NSDL प्राइवेट बैंक है। ये तीनों बैंक इसके अंदर मतलब इसके मतलब साथ में काम करते हैं। तो ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही अच्छा है और अपने मतलब अर्निंग कैश भी है। बाकी इसके अंदर बहुत मतलब बेस्ट सर्विसेज भी मिलती है, एक ही पोर्टल के अंदर बहुत सारी सर्विस मिलती है। तो दोस्तों, ये जानकारी अपने को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।